तो दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ ब्लैक एंड डेकर की तरफ से आने वाले बड़े ही कमाल के पावरफुल जिग्सॉ का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्ट। देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और जैसे कि मैंने बताया टेस्टिंग भी इसी वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट से इन तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ, लेट्स गो। तो इसे मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, कुछ इस तरीके से पैक हो गया है कार्डबोर्ड में। चलिए फटाफट कर लेते हैं कट, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो बॉक्स यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट ओपन। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर है हमारा मेन प्रोडक्ट, और पैकिंग अच्छी होने के कारण यहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं दिख रहा, तो अच्छी बात है। इधर एक रिसिप्ट जिसका कलर फेड आउट हो जाता है कुछ दिन के अंदर ही। चलिए मेन प्रोडक्ट के बॉक्स को निकाल लेते हैं। काफ़ी हैवी लग रहा हाथ में। तो ये है मेन प्रोडक्ट का बॉक्स। चलिए फटाफट इसका ओवरव्यू और कुछ फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर का ब्रांडिंग, 600 वॉट का ये जिग्सॉ है, पावरफुल होने वाला है। इधर एक स्टिकर पे इंपोर्ट डेट, एमआरपी और साथ साथ कहाँ से इंपोर्ट हुआ, ये सारे डिटेल। इधर हमारे मेन जिग्सॉ का 3D इमेज जो की काफी कूल और स्मार्ट डिजाइन है। इस जिग्सॉ किट के साथ आपको 10+ एक्स्ट्रा हमें ब्लेड्स मिलते हैं। इधर कई सारे इमेजेस इसको यूज करते टाइम अलग अलग फीचर के साथ। इधर नीचे छोटे छोटे आइकन पे कुछ फीचर दिए हैं जिनमें से 800 to 3000 स्पिन पर मिनट। इधर स्ट्रोक रेट अलग अलग सेटिंग, इसे आप 45 डिग्री तक कटिंग कर सकते हैं। कौन कौन से मटेरियल पे कट करेगा, कितने mm, वो चीज दी हुई है। इधर है ब्लैक एंड डेकर का ऑफिशियल वेबसाइट, और इस प्रोडक्ट के साथ 6 मंथ होम यूज गारंटी मिलती है। इधर इसका मॉडल नंबर KS900EKX। तो लेके चलता हूँ आपको बॉक्स के राइट साइड। तो इधर वही सारे कुछ सेम इमेज प्रोडक्ट के विथ फीचर्स, नीचे इधर मॉडल नेम, साथ ही साथ यहाँ पे वॉटेज और स्पिन पर मिनट ये चीजें मेंशन है, और साथ ही साथ मेड इन PRC मतलब चाइना से ही बना हुआ है ये प्रोडक्ट भी। बॉक्स के पीछे बहुत ढेर सारे डिटेल अलग अलग लैंग्वेज में, जिसमें से इधर एमएस में 3 चीजें दी हुई हैं, वेरिएबल स्पीड, पेंडुलम, जिग्सॉ, और वही तीनों फीचर इधर अलग अलग लैंग्वेज में मेंशन है। पेंडुलम मैकेनिज्म, दूसरा है एक्यूबेबल शू जिसके जरिए आप 45 डिग्री तक कटिंग कर सकते हैं, और डस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे आप अपना वैक्यूम क्लीनर सेट कर सकते हैं। इधर टॉप राइट कॉर्नर में बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं उसका एक इमेज है। चलते हैं बॉक्स के लेफ्ट साइड, तो इधर भी वही सेम सारा कुछ इमेज विद फीचर, इधर वही सारे आइकन जो आगे मेंशन थे, और यहाँ पे वॉटेज, स्पिन पर मिनट और वेट 2.4 kg। बॉक्स के नीचे कई सारे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऑल मटेरियल्स यूज इन ब्लैक एंड डेकर पैकेजिंग आर 100% रिसाइकेबल एंड क्लोरीन फ्री, जो कि कमाल की बात है। बॉक्स के टॉप पे सेम ब्रांडिंग, वॉटेज, और इधर जिग्सॉ की इमेज विथ फ्री ब्लेड्स। इधर कटआउट से दिख रहा है हमारा बॉक्स जिसके अंदर होगा जिग्सॉ, और बॉक्स ओपन होता है इधर से। चलिए फटाफट कर लेते हैं ओपन, उसके बाद बाकी चीजें देख लेते हैं। तो बॉक्स हो गया ओपन, अंदर देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो केस हमें मिला है वो दिख रहा है, इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो केस यहां पे निकल गया है बाहर। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है, सारी कुछ चीजें इसी केस में होंगी। चलिए देख लेते हैं। तो ये है बॉक्स जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा डस्ट लगा है, कर लेते हैं क्लीन, और ग्रिप यहाँ पे काफी अच्छी है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसके ऊपर खुरदरा सा टेक्सचर आप देख सकते हैं। आगे की तरफ लिखा हुआ है ब्लैक एंड डेकर ब्रांडिंग, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। साइड से कुछ ऐसा है, ऊपर इधर ऑरेंज कलर का लॉक मैकेनिज्म, पीछे के साइड से सेम टेक्सचर्स एंड डिज़ाइन, और ग्रिप के लिए होल। अदर साइड बिल्कुल सेम सिमिलर सा विथ लॉक मैकेनिज्म। बॉटम साइड यहाँ पे ग्रिप के लिए 4 लेग्स बने हैं जो कि प्लास्टिक के हैं। तो ये था सारा कुछ इस केस का ओवरव्यू, बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। अभी कर लेते हैं इसको ओपन। तो ये हो गया है बॉक्स ओपन, और ये रहा हमारा जिग्सॉ कुछ इस तरीके से प्लास्टिक में रखा हुआ है। हाथ में लेने पे वेट जैसा कि 2.4 kg है, वो चीज पता चल रही है। केबल की लेंथ यहाँ पे 3 मीटर दी गई है, काफी अच्छी बात है, आगे देखेंगे। अभी रखते हैं एक साइड, देख लेते हैं क्या क्या और चीजें मिली हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, कई सारे मिले हैं। सबसे पहले हमें मिल जाता है एक बड़ा सा लंबा चौड़ा यूजर मैनुअल, कई सारे लैंग्वेज में यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टाइम जो यूज करा उसके लिए यूजफुल होने वाला है। देख लेते हैं नेक्स्ट पेपर वर्क, सर्विस सेंटर लोकेटर। तो यहाँ पे सारे कुछ इंडिया में जितने सारे सर्विस सेंटर हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर, उसकी लिस्ट दी हुई है विथ मोबाइल नंबर एंड लोकेशन एड्रेस,
तो ये चीज बहुत कमाल की है, थम्स अप। नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा वारंटी कार्ड, कुछ इस तरीके का, वारंटी के बारे में डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट चीज जो मिली है वो है इस पैकेट में जो हमें एक्स्ट्रा 10 फ्री ब्लेड्स मिलते हैं, वो है, चलिए निकाल के देख लेते हैं। देख सकते हैं ये मेटल कट करने वाला ब्लेड, ब्लेड्स के टीथ यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, और जो मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है 106-2 HSS, ये वाला ब्लेड होता है वुड को कट करने के लिए, जो कि कई सारे पीस हमें मिले हैं। ये देखिए स्विस मेड, सारा कुछ आपको सेट करके दिखा देता हूँ कितने सारे हैं। ये देखिए 6 वुड कटिंग ब्लेड्स और 4 मेटल कटिंग ब्लेड्स, थम्स अप। लास्ट चीज जो मिली है वो है ये अटैचमेंट जिसको कनेक्ट करके आप वैक्यूम क्लीनर जोड़ सकते हैं। तो ये थी सारी कुछ इस केस में चीजें, अभी इसको बंद करके रखते हैं एक साइड और मेन चीज देख लेते हैं जो कि हमारा जिग्सॉ। इसको कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में रखा गया है, प्यार से निकालते हैं बाहर। वो तो अभी हमारे सामने ये ब्रांड न्यू ब्लैक एंड डेकर का 600 वाट का पावरफुल जिग्सॉ, जिसकी डिजाइन बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन अमेजिंग है। हाथ में होल्ड करने पे पता चल रहा है कोई ढंग का पावरफुल पावर टूल पकड़ा है। चलिए इसका फिजिकल ओवरव्यू और सारा कुछ फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो आप नॉब देख रहे हैं, इससे आप स्टॉक रेट को घटा बढ़ा सकते हैं 0 से 3 तक। ये फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जिग्सॉ में। उसके बाद इधर देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग, और ये एक केस यहाँ पे बनाया गया है जिसमें 3 और एक्स्ट्रा ब्लेड हमें मिलते हैं वुड कटिंग के लिए। तो 10+3 टोटल 13 ब्लेड मिलते हैं इस जिग्सॉ के साथ, ऑसम। इधर एक कटआउट बना है वेंट के लिए, ग्रिप के लिए ऊपर देख सकते हैं जो ब्लैक वाला पोर्शन है पूरा कुछ रबर का बना हुआ है, इधर भी जो ब्लैक पोर्शन है वो भी रबर का है। ये छोटी बटन है कॉन्टिन्यूअस इसको ऑन रखने के लिए, और उसके नीचे ये बड़ा सा ट्रिगर जिससे ये ऑन होगा, काफी क्लिकी और स्ट्रांग सा है। ऊपर से कुछ ऐसा है हैंड ग्रिप, और उससे होते हुए यहाँ पे है स्पीड कंट्रोल, जिससे कि आप अपने जिग्सॉ के स्पीड को 1 से लेकर 7 तक बढ़ा सकते हैं। तो काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस डिवाइस में। इससे होते हुए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जिसे आप देख के अलाइन करके अपनी कटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इधर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सी लगाई गई है, इसका क्या यूज है मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है। चलते हैं नीचे की तरफ, तो इधर देख सकते हैं अक्यूब बेबल, और इधर छोटे छोटे आइकन से समझाया गया है कि इसको किस तरीके से लॉक अनलॉक करना है और कितने डिग्री तक आप इसे मूव करके कटिंग कर सकते हैं। ये जो हैंडल लगी है इससे हम लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, कितने डिग्री पे हमें कट करना है उस पे सेट करके। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये काफी स्ट्रांगली यहाँ पे लगा होता है, थोड़ा सा आपको पावर यूज करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। इस ट्रिगर को अनलॉक करने के बाद नीचे वाले बेस प्लेट को आप मूव कर सकते हैं, पर उससे पहले इसे आपको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना होगा, तो ही ये मूव होना शुरू होगा। तो अभी देखिए जैसे जैसे हम इसे मूव करते हैं, यहाँ पे जो कटआउट बना है वहाँ पे कितने डिग्री आप इसे मूव कर रहे हैं वो चीज शो हो रही है। तो अलग अलग सेटिंग पे आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, और जितने पे आपको कट करना उस पे सेट करके इसको लॉक करें, और उसके बाद आसानी से कुछ इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, उतने डिग्री पे आपका कटिंग हो जाएगा। कटिंग करने के बाद फिर से इसको करना है अनलॉक, वापस सेट कर देना है जितने पे आपको चाहिए। मैं अभी वापस 0 पे कर दे रहा हूँ, और प्लेट को कर दे रहा हूँ वापस पीछे जिससे कि लॉक हो जाएगा, और इस ट्रिगर को भी कर देंगे बंद। नेक्स्ट ये वाला जो होल मिला है जहाँ पे हम अपना वैक्यूम क्लीनर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो अटैचमेंट हमें मिला था उसको किस तरीके से कनेक्ट करना वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, और दूसरे हिस्से में आप वैक्यूम क्लीनर वाला पाइप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे सारा कुछ डस्ट आपका एक तरफ चला जाएगा। नीचे का बेस प्लेट देख सकते हैं पूरा कुछ मेटल का बना है स्ट्रांग, नीचे कुछ नट बोल्ट भी लगे हुए हैं। इस साइड देखें तो यहाँ पे कनेक्ट होगा हमारा ब्लेड, पीछे की साइड आपको लेके चलो तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग तरीके से हमारे वायर को कनेक्ट किया गया है। ये देखिए स्ट्रांग, आगे देखेंगे वायर की लेंथ वगैरह। फिलहाल चलते हैं अदर साइड, तो इधर भी डिजाइन काफी कूल लग रही है, वेंट के लिए कई सारे होल बने हैं। इधर बड़े से स्टिकर पे लिखा हुआ ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग विथ वॉटेज वगैरह। स्पीड मेंशन है 85 mm तक मैक्सिमम आप कट कर सकते हैं, 600 वॉट इसका मैक्सिमम पावर है। ब्लैक एंड डेकर USA, मेड इन PRC मतलब की चाइना। वेंट के लिए इधर भी लोगो बना हुआ है। ओके, अभी वक्त आ गया है वायर को देखने का, क्योंकि पावर टूल में यहाँ पे केबल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जिग्सॉ जैसे डिवाइस में लंबी केबल होना जरूरी है। तो सॉकेट टाइप वही इंडियन वाला,
जो कि डायरेक्ट हो जाएगा कनेक्ट हमारे बोर्ड से। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है और उससे होते हुए जो केबल यहाँ पे कनेक्ट की गई है, देख सकते हैं कितना स्ट्रांग बनाया गया है। केबल की थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। कर लेते हैं ओपन और आपको लेंथ फिजिकली दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा है। जैसा कि मेंशन है 3 मीटर केबल, वो चीज़ है ओके। तो अभी चलिए फटाफट ब्लेड्स को भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो साइड में हमें ब्लेड लगे हुए मिलते हैं वुड कटिंग के लिए, उसको हम सबसे पहले करेंगे कनेक्ट। इस पर लिखा हुआ है स्पीड वुड, तेजी से लकड़ी को काटने के लिए। तो ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लेड रखने का ऑप्शन बना है और आपको वाइल यूजिंग ब्लेड निकाल के यूज कर सकते हो। तो इस बॉक्स में टोटल इतनी सारी चीज़ें हमें मिली थी। एक और कमाल का आपको फीचर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ब्लेड हमें 3 मिले हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक एरिया बनाया गया है जिसमें ब्लेड ये देखिए चिपक जाता है एक बार आप रख देते हो, और निकालने के लिए आपको किसी एक तरफ प्रेस करना है, ब्लेड ऊपर हो जाएगा और आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अभी आपको दिखा देता हूँ जिग्सॉ में ब्लेड कैसे कनेक्ट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें क्विक इंस्टॉलेशन एंड रिमूव का ऑप्शन दिया गया है ब्लेड को कनेक्ट करने के लिए। बस इस ट्रिगर को आपको प्रेस करके रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और वाइल जब तक आपने ट्रिगर को प्रेस किया है, आगे से यहाँ पे इंसर्ट कर देना है ब्लेड जितना ये अंदर जाता है, और ट्रिगर को बस छोड़ देना है। ब्लेड यहाँ पे हो जाएगा लॉक, कोई भी स्क्रू वगैरह का झंझट नहीं है। निकालना है बस ट्रिगर को पीछे की तरफ फिर से करना है, ब्लेड आसानी से निकल जाएगा। वापस लगाना है सेम वही चीज़, ट्रिगर को नीचे करो, ब्लेड को अंदर डालो और ट्रिगर को छोड़ दो। दूसरा वाला ब्लेड भी लगा के देखते हैं, ये उस वाले से लेंथ में थोड़ा सा छोटा है। सेम कुछ सेकंड में ही आप ब्लेड को वापस लगा सकते हैं। ये वाला ब्लेड भी लगा के देखते हैं, मेटल कट करने वाला, और ये भी परफेक्टली यहाँ पे हो गया कनेक्ट। तो फाइनली लगा देते हैं फिर से वुड वाला ब्लेड और अभी हम करेंगे टेस्टिंग स्टार्ट। पावर सॉकेट को कनेक्ट कर देते हैं और कर दिया मैंने ऑन, और ये देख अभी मैंने इसको नंबर 1 स्पीड पे सेट किया है, नाउ कर दिया है 3 पे। ये देखिए स्पीड डिफरेंस देखिए, और जो मोशन दिख रहा है यहाँ पे आगे पीछे का, वो कितना कमाल का है। और बढ़ाते हैं स्पीड नंबर 5, वो और अभी कितनी तेजी से मूव कर रहा है, वेरी पावरफुल। और अभी मैंने कर दिया है मैक्सिमम सेटिंग 7, अभी काफी ज्यादा लाउड हो गया और पावर का तो कुछ नहीं है। वापस मैंने इसे 3 पे कर दिया है, 3 पे कमाल का मोशन यहाँ पे दिखता है। स्टोक सेटिंग को बढ़ाते हैं तो जो ये ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हो यू शेप में, वो आगे पीछे हल्का मूव करता है जिससे ब्लेड को आगे पीछे डायरेक्शन मिलता है और कटिंग में आसानी मिलती है। स्लो मोड पे देखोगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए आगे पीछे हो रहा है। 2 पे थोड़ा सा कम हो गया, 1 पे और ज्यादा कम हो गया, और 0 पे बिल्कुल खत्म हो जाता। कॉन्टिन्यूस पावर ऑन रखने वाली बटन भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है, और अभी आपको कोई भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा। इसको रिलीज करने के लिए, बंद करने के लिए बस आपको ट्रिगर को वापस प्रेस करके छोड़ना है। तो चलिए अभी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी जिग्सॉ को मैंने सेट किया है 3 नंबर सेटिंग पे, और यहाँ पे हो रही है कटिंग आपके सामने। आपको बता दूं दोस्तों, फर्स्ट टाइम में कोई जिग्सॉ यूज कर रहा हूँ तो उतना अच्छे से शायद मैं टेस्टिंग आपको ना दिखा सकूँ, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी कटिंग कैसी है। तो यहाँ पे 1 घंटों का काम सेकंडों मिनटों में हो रहा है, अगर ये यहाँ से कट करना होता तो काफ़ी दिक्कत होती। दोस्तों मेरे पास कोई अदर टूल नहीं है इस लकड़ी को होल्ड करने के लिए, तो हाथ में ही पकड़ के इसे कट कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा मूव हो रहा है और कट करने में दिक्कत आ रही है। अभी मैंने स्पीड को बढ़ा के 5 पे कर दिया, और देख सकते हैं आप स्पीड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, फटाफट कटिंग कर रहा है। सेम 5 पे सेटिंग है, और कटिंग आप देख ही सकते हैं स्मूथली बटर की तरह कट कर रहा है।
तो इतनी सारी लकड़ी प्लाईवुड मैंने कट कर लिया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग साइज में से कट किया। आपको बता दूं इन सारी लकड़ी के टुकड़ों से मैं बनाने वाला हूं एक स्पीकर का इनक्लोजर, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी आएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट अभी इसको 45 डिग्री के एंगल पे सेट करके मैं आपको कट करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए इस ट्रिगर को पहले अनलॉक कर देना है, इस बेस प्लेट को थोड़ा सा आगे मूव करना है, उसके बाद जिस डिग्री पे आपको कट करना है उस पर जैसे कि मैंने बताया था सेट करेंगे। मैंने 45 पे कर दिया है और ये देखिए इस एंगल पे अभी ये कटिंग करेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट टाइम मैं कटिंग कर रहा हूँ, और जो ये 45 डिग्री पे मैं कटिंग कर रहा हूँ वो भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। स्पीड जो मैंने सेट की है वो है 4 पे। और यार काटने में मज़ा आता है, ये देखिए ठीक ठाक कटिंग हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास कोई अदर टूल नहीं है होल्ड करने का, जैसे मैंने अभी बताया ही था आपको। फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट करें। और अब की बार पिछले बार से बेहतर है, ये देखिए कितने स्मूथ तरीके से प्लाईवुड कटा है। ऑसम, ये है 45 डिग्री पे कटिंग। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अभी वापस इसे कर देते हैं सेट 0 पे और कर देते हैं इसे लॉक। नेक्स्ट अभी कुछ कर्व भी कट करके दिखा देता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आती है कट करने में। ये देखिए स्पीड सेम 4 पे है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कटिंग हो जा रही है, ये देखिए। तो इसके ज़रिए आप जो भी जैसा चाहें डिज़ाइन वैसा बारीकी से कट कर सकते हैं, यही कमाल होता है एक जिग्सॉ का। थोड़ी सी और कटिंग करते हैं क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा। ये रहे दोनों टुकड़े जो कि मैंने कट किए हैं। प्लाईवुड का ऊपर वाला जो हिस्सा वो थोड़ा सा खुरदरा हो गया क्योंकि जो ये प्लाईवुड मैं कट कर रहा हूँ वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, नहीं तो फिनिशिंग और अच्छी आपको देखने को मिलती। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वापस फिट हो जा रहा है, मतलब कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो ये था सारा कुछ टेस्टिंग, मिलता हूँ आगे वीडियो में। तो दोस्तों ये था सारा कुछ इस वीडियो में, मैंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्ट सारा कुछ करके दिखा दिया। अभी आपको बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा। तो अभी तक मैंने इसे जितना भी यूज किया है मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ कोई भी जिग्सॉ, तो मुझे काफी मजा आया इसे यूज करने में। कमी अच्छाई की बात करें तो इसमें अभी तक मैंने कोई भी कमी नहीं देखी। अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू ब्लैक एंड डेकर के इस कमाल के पावरफुल जिग्सॉ के साथ। साथ आपको पसंद आया होगा, शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके बताना, साथ ही साथ नीचे कमेंट में भी लिख के बताना ये जिग्सॉ आपके पास ऑलरेडी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट में बताना ये चीज़ भी। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके प्राइस चेक करो या फिर परचेज कर सकते हो। स्टिल आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो जैसे कि मैंने कहा। एक चीज और, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं तो इधर आईडी शो रही है, जाके फटाफट फॉलो करो, मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बस यही था सारा कुछ आपको दिखाना बताना, चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल, सी यू अगेन, बाय बाय।